हम भोले बाबा देवी पार्वती जी को ये सुनाते हैं कि राघवेंद्र सरकार इनका विवाह होता अयोध्या आ गए। रास्ते में वीर परशुराम जी से इनका संवाद हुआ है। मैंने शायद पहले दिन बताया था, एक प्रश्नावली में आया है, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को यह दिव्य कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, सुनो भवानी, भोले बाबा कह रहे हैं, भवानी सुनो, जैसा कि गोस्वामी बाबा ने संकेत किया है, जब परशुराम राम जी पे नाराज होते हैं, समय के अभाव से ज्यादा विस्तार न बढ़ाते हुए बाबा ने चौपाई लिखी है कि भैया लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि बहु धन ही तोरी लरिकाई, अब कबहुन असरिस कीन गोसाई। इस चौपाई के माध्यम से कवियों ने सिद्ध किया कि श्री जानकी जी लक्ष्मण की किसी कल्प में बहन हुई है। जब वीर परशुराम के पिता जमदग्नि का वध हुआ, इनकी माता रेणुका जो है 21 बार छाती कूट कूट करके रोई, तो इन्होंने यह संकल्प लिया था कि मैं 21 बार हय हय वंशी क्षत्रियों को पृथ्वी से समाप्त करूंगा। काफी राजाओं को मार करके उनके धनुष बाण ये सब छीन के अपने आश्रम पर ये रखते गए थे। तो एक दिन पृथ्वी मैया शेष जी से कहती हैं कि देखिए शेष जी, अब हमारा भार तुम्हारे ऊपर है और बाबा परशुराम के आश्रम में इतने हथियार हैं, यदि किसी राक्षस के हाथ ये हथियार लग गए तो वो तो बहुत ज्यादा जुल्म करेगा, और जब ज्यादा जुल्म करेगा, पृथ्वी मैया का कहना है हमें कष्ट नहीं होता है, मेरी छाती फाड़ के अनाज पैदा करो। अरे मुझे कष्ट तो जब होता है जब हम पे पाप बढ़ता है। शेष जी सुनो, यदि पाप बढ़ेगा मेरे ऊपर भार और मेरी वजनता तुम नहीं सहन कर पाओगे, फिर क्या किया जाए। मैया पृथ्वी ने कहा हम लोग एक नाटक खेलेंगे। तो पृथ्वी मैया सुंदर स्त्री का रूप बनाती हैं और शेष जी बालक बन गए। शेष जी कह रहे हैं, माताजी आप मेरी मां और हम आपके बेटे, लेकिन अवस्था कोशिश करके और बूढ़ी करो। और बाबा परशुराम के आश्रम पर जैसे आई, परशुराम जी ने देखा ये तो बूढ़ी देवी यहां आ गई, बोलो कैसे आई हो। बोली बाबा मैं निकल रही थी, शाम होने को आई है, मैं सोच रही हूं आप ही के आश्रम पे रह जाऊं आज। हाँ हाँ रुक जाओ। कहा रुक क्या जाए बाबा, एक मेरी शर्त है। बोलो। कहा मेरे साथ में एक बच्चा है ना, ये बड़ा चंचल है और इससे यदि कोई गलती हो जाए तो भाई नाराज ना होना, क्योंकि संत लोग जब नाराज हो जाते हैं तब पता नहीं जो मन में आए वही कह देते हैं, और जो कह देते वो हो जाता है। क्यों
क्योंकि भक्ति जो है नौ प्रकार की बताई गई है, जिसमें पहला स्थान संतों के ही साथ में दिया गया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगम। परशुराम जी ने कहा चलो भाई, बालक बन रहे एक स्वभाव, जहां देखो तो करे उपाय, रुक जाइए कोई बात नहीं, बच्चा है। अब भैया परशुराम जी जैसे यहां से बाहर निकले, पृथ्वी मैया ने इशारा किया आप क्या देख रहे हो, तो शेष जी बालक के रूप में थे ही, जितने अवैध रूप से ये बाबा हथियार रखे थे ना, वो सब धन तोड़ ताड़ चौपट कर दिए। अब परशुराम जी आए बड़ा क्रोधित। पृथ्वी मैया बोली बाबा तुमने वचन दिया था, बच्चे से गलती होगी कुछ कहोगे नहीं, तो बोले कहेंगे कुछ नहीं, बाकी इस बच्चे को लेके अब निकल जाओ यहां से। तो आज जब परशुराम जी मेरे राघव पे नाराज हुए कि ये धनुष तूने तोड़ा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो लक्ष्मण ने पहली बात तो ये बता दिया कि देखे भाई मेरे बड़े भैया धनुष तो तोड़े नहीं है। हाँ चक्कर ये है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे शब्द कहे तो और क्रोध चढ़ आया है, अब ये सबसे पहले बोल पड़े इसलिए चोर ठहराया है। लेकिन सच्चाई तो ये है भैया ने धनु नहीं तोड़ा। बोले छुवत टूट रघुपति ही न दोसो, अब आप खामखा नाराज हो रहे हो। और रही बात धनुहा की, तो कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, अब कबहू न असरिस कीन गुसाई। ये पुरानी बात याद दिलाया कि न जाने कितनी हम तोड़ दिए तुम्हारे आश्रम पर, तब ऐसे गुस्सा नहीं। तो पृथ्वी के पुत्र बने थे शेष जी, और वही शेषावतार आज है लक्ष्मण, और माता जानकी भी पृथ्वी की ही पुत्री है, क्योंकि पृथ्वी से ही वो कलश निकला था जिससे मैया जानकी जी आई है, इसलिए वो पृथ्वी की पुत्री। अब एक बार ये बने हैं पृथ्वी के पुत्र, भाई बहन का रिश्ता इस रिश्ते से हुआ। भोले बाबा देवी पार्वती को ये दिव्य पावन कथा सुनाते हैं। अब आगे की कथा में देखिए उस अदालत का जो प्रधान है। हम लोग बहुत छोटे हैं, राम जी भी नहीं छोड़े गए हैं, हम लोग क्या है। यह सूत्र जीवन में याद रखिएगा, कौन सा सूत्र, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है। और इस युग में तो वैसे भी सबसे बड़ी पूजा यही है, कौन, कर्म ही पूजा है। भोले बाबा कह रहे हैं सुनो कि जब तेरा मो ब्याही घर आए, जब तेरा मो ब्याही घर आए, राम जी जी गुरु जी, जब तेरा मो ब्याही घर नितनव मंगल मोदे बधाए, जब तेरा ब्याही घर आए नितनव मंगल मोदे बधाए। ओ,
भैया ही घर आए, बड़ी प्रसन्नता है। और भैया एक दिन की बात सुने, देखो जानकी जी जब आई देखा कि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार सीता जी के कितनी सास हैं, रहे 760 हो रानी और रानी तीन तो ये फाजानी। आजकल क्या है, आजकल एक बहू है एक सास है, हफ्ते में 5 बार तो तनातनी होती होगी। और रामायण के बड़े प्रेमी, फायदा क्या है भैया, आजकल की सास सास तो कहती हैं हे भगवान हमें सीता जैसी बहू देना, सास लोग कहती हैं कि हे भगवान हमें सीता जैसी बहू देना, और खुद है मंथरा की नानी, सीता जैसी बहू मिलेगी कहां। सास लोगों से हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग कौशल्या बनना सीखो, और जब कौशल्या वाले लक्षण तुम्हारे अंदर आएंगे तो सीता जैसी बहुया मिल जाएगी। इतनी सासों के बीच में रह रही है सिया जी, कभी झगड़ा नहीं। आज की कथा में माताएं बहनें विशेष ध्यान रखें, कभी भी सास बहू में झगड़ा आज भी नहीं हो सकता है, मगर कब, जब सास बहू को अपनी बेटी माने तब, और जब सास बहू को बेटी माने तब बेटी सास को अपनी सगी माता मानेगी ही मानेगी। और तुम सोचो हम मंथरा बनी रहे और सीता जैसी बहू मिले तब तो असंभव है। एक दिन क्या हुआ, माता कौशल्या कह रही है अरे बहू जल पिलाओ मुझे, तो सिया जी जल्दी जल्दी एक पात्र साफ करके जल लेकर के चली। अचानक इनके पैर में झाड़ू की सीख लग गई, रक्त निकलने लगा पैर से, और सिया जी ने वो खून देख करके झाड़ू की तरफ देखा और कहा रे दुष्ट, तूने माता की सेवा में बाधा पहुंचाने का काम किया है। और एकदम नजर टिकाई झाड़ू पे तो वो झाड़ू जो है जल करके खाक हो गया। और ये दृश्य मैया कौशल्या ने देख लिया। अब कौशल्या जी घबराई कि बड़की बहू रोज मेरे पैर दाबती है, और मैं कह दे तू कि बहू अब जाए के सो जाओ, और मान लिया किसी दिन हमारी आंख लग गई, हमने नहीं कहा बहू सो जाओ, और इसने घूर के देख लिया तो झाड़ू वाली गत मेरी भी हो जाएगी, बड़ा खतरा है। राम आए, कौशल्या बोली राघव बेटा इधर आओ। बोले हाँ मैया। कौशल्या ने कहा बेटा मेरी इच्छा ये है, तू और बहू थोड़े दिन के लिए बाहर घूमाओ अथवा अलग रहो। तो प्रभु श्री राम कह रहे मैया कोई अपराध हुआ, और ये कैसे आपने सोच लिया कि शरीर से कहीं परछाई दूर हट जाए, मेरे से कोई गलती हुई तो बताओ। तो कौशल्या ने कहा बेटा ज्यादा बात बढ़ाऊंगी नहीं, गलती तुमसे नहीं, हमको कुछ कुछ खतरा बहुरिया से दिख रहा है। हुआ क्या है, तो वही झाड़ू वाली कथा बताई। तो राम जी पहुंचे और कह रहे हैं सिया तुमको एक वचन देना होगा। तो सीता ने कहा मंडप के नीचे 5 वचन ले ही चुके हो, अब क्या है। राम बोले ये छठा स्पेशल वचन देना होगा। कौन सा, कि आज के बाद
कभी भी किसी को जब तुम श्राप दोगी तो हमसे पूछ के बगैर मेरी आज्ञा लिए तुम किसी को श्राप नहीं दोगी। सीता ने ये वचन दिया। भगवान श्री राम एक दिन जानकी जी को लेकर के एकांत में बैठे और कह रहे, सीता तुम तो जानती हो कि हम किस लिए यहां आए हैं। हाँ जानती हूं, तो अब हमें कुछ विशेष प्रोग्राम करना होगा। इतने में देवताओं ने विचार विमर्श किया कि रामलला का विवाह तो हो गया है, अब ऐसा ना हो ये फंस जाए महामोह के चक्कर में, तो जिसलिए हम लोगों ने इनको भेजा वो काम अधूरा रह जाए। तो नारद जी को भेजा, गुप्तचर बना के चले जाओ, सूचना दे आओ। बाबा नारद ने आकर के राम जी से कहा, देवताओं ने हमें भेजा है। राम बोले, तुम्हें भेजा है और हम बन जाने का प्लान सेट कर रहे हैं। अब आइए देखिए, राम जी ने नारद जी से कहा कि जाओ देवताओं से कह दो थोड़ा मेरा सहयोग करें। और सहयोग में क्या हुआ, अर्धरात्रि में माता सरस्वती जी आती हैं श्रीधाम, अयोध्या में प्रवेश करती हैं और सबसे पहले मैया सरस्वती महाराज दशरथ जी की बुद्धि पर बैठ गई हैं। क्या हुआ कि एक दिवस अचानक राजा ने और दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। जय जय। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए और चौथे पन को सन्मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए चौथे पन को सन्मुख देखा। बोल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा और देखा कुछ बाल सफेद हुए मानो चौथेपन को सन्मुख देखा। मैंने बताया था कि लूटना है लूट लो, बिन दाम राम विकात हैं, और उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन सात हैं। जब पैदा हुए तब तो पेट में चिल्ला रहे थे, भगवान हमको यहां से निकालो, बड़ा कष्ट है, भजन करूंगा। अब जब इस अदालत में आए भजन भूल गए, भजन भूल गए, परिवार के चक्कर में पड़ के दान पुण्य करना भूल गए, बोले वैंकाय नमः। बाल काले हैं मानो काली अंधेरी रात है, और जब बालों में सफेदी आ जाए समझ लेना उजली ऋतु हो गई है। बाल जब सफेद होते हैं तो समझ लेना कि भगवान तुमको नोटिस भेजे हैं कि बेटा आप भजन में लग जाओ, काफी फंसे रहे इस जंजाल में। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है भाई, भगवान ने नोटिस भेजी सफेदी आई, भाई साहब चौराहे से लगा के आए काली डाई। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं भैया ने डाई लगाया, अब दूसरी में नैन तिंगुर गिरने लागे,
दांत हैं, बोले चश्मा टेस्ट, गिरे थे 5-6 दांत, पूरे निकलवाए दिए, पूरी बत्तीसी चढ़वा लिए, बोले बड़ा सुख है। अब तीसरी में कमर झुक गए तब चलत पैर पिरात हैं, फिर भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लिए, तो परमात्मा के गुस्साई, एक नोटिस भेजा, दो भेजा, तीन, और चौथी बार नोटिस नहीं। अब आ गया वारंट, चौथा हथकड़ी जम साथ है। तब पता चला कि हाँ, यहां पर तो अपना कोई नहीं है, यहां पर अपना कोई नहीं है, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, थोड़ा समय निकालो। वैसे तो जब तलक ये जीवन है, फुर्सत काम से होती ही नहीं है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जैसे अपने वहां राजनीति, ऐसे परमात्मा के वहां। अपने गांव घर में प्रधानी चलती, भगवान के वहां भी प्रधानी चलती। और प्रधान नाम पद का है, पर्सनल नहीं है, वहां के प्रधान है कर्म। जैसे अपने यहां इस मायावी नगरी में पार्लियामेंट की बैठक होती, सभी मेंबर पहुंचते, तो हम आप लोग कोई साधारण नहीं है, हम लोग भी पार्लियामेंट के ही तो मेंबर हैं। के उस पार्लियामेंट में सुनना, उस पार्लियामेंट में सुनना, और जीवन का जजमेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। राम जी, जीजू जी, इस पार्लियामेंट में सुनना, उस पार्लियामेंट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। और वो सबसे है बड़ी अदालत, वहां न चल सकती है वकालत, वो सबसे है बड़ी अदालत, वहां न चल सकती है वकालत, हो पुकार जब कहना होगा, हो पुकार जब कहना होगा, सर आइए मुप्रजन प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में सुनना, जीवन का जजमेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। और जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, क्योंकि वहां से जब वारंट बन जाता है ना, तो चाहे जितने बड़े पैसे वाले हो और चाहे जितने गरीब हो,
न बच्चा कोई वेद पुराण पढ़े और न बच्चा कोई शीश रखाए जटा, न बच्चा कोई बनमा बास किए और न बच्चा कोई ऊंचे चुनाए अट्टा। जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, वहां तो जाना ही पड़ेगा। काहे अरे अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट में सुनना जीवन का जजमेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। अब वो चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जाना होगा भाई, और हो पुकार जब कहना होगा सर आई एम प्रेजेंट। यह जो सुंदर सा मानव शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, बार बार नहीं मिलना है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अगर कुदृष्टि तुम डालोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, और कोई डॉक्टर दे न सकेगा, ये हो, कोई डॉक्टर दे न सकेगा, आई अरेंजमेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। और अंतिम भाव, बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही। हो बड़े भाग्य पाई नर देही, इससे बनिए राम सनेही, इससे बनिए राम सनेही। काहे के राम के हाथों में सब का है, जय हो, राम के हाथों में सब का है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट यानी भूत भविष्य वर्तमान, राम के हाथों में सब का है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। इसलिए सब लोग लगा लेना हाजरी, भज ले राम नाम अर्जेंट, भज ले राम नाम अर्जेंट, और आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमाने तू भज ले राम नाम अर्जेंट, भज ले राम नाम अर्जेंट, श्री राम राम नाम अर्जेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु जी का यही पार्लियामेंट, प्रभु जी का यही पार्लियामेंट। हाँ उस पार्लियामेंट में सुनना, उस पार्लियामेंट में सुनना जीवन का जजमेंट, प्रभु का प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो।
अब देखिए कि माता सरस्वती आती है और सबसे पहले महाराज दशरथ जी की बुद्धि फेरती है। वो क्यों? आपने सुना था ना महाराज दशरथ जी के विवाह, इन्होंने श्री अश्वपति को यानी कैकेयी के पिता को ये वचन दिया था कि तुम्हारी बेटी का बेटा ही मेरे बाद में राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब महाराज दशरथ उस कुल में है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। तो देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा कि दशरथ जी की थोड़ा बुद्धि फेर देना, नहीं तो अपना कुल पकड़ के बैठेंगे भरत। दशरथ जी की बुद्धि फेरो ताकि वो बड़े बेटे को उत्तराधिकार, वैसे तो नियम यही है मगर ये वचन दे चुके थे, अब ये वचन का तो पालन करेंगे ही करेंगे। लेकिन माता सरस्वती आई, सरस्वती ने इनकी बुद्धि ऐसी फेरी, तभी तो इन्होंने राम के राजा बनाने प्रोग्राम अपना सेट करना चाहा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं रामायण में कि श्रवण समीप, श्रवण समीप भय सीत सुत के साथ मन हो जर ठन अस उपदेसा, मन हो जर ठन अस उपदेसा, मन हो जर ठन अस उपदेसा। श्रवण समीप यानी महाराज दशरथ जो है, जब देखा सफेद बाल अब तो भाई चौथा पन आ गया है, गुरु जी के पास पहुंचते हैं, गुरुदेव अब चौथा पन आ गया है, मेरा समय तो मानो भजन करने का है। मेरा एक विचार है, ये अयोध्या का राज्य जेठे पुत्र को सौंप दें। सरस्वती कहलवा रही हैं, नहीं तो ये तो रघुकुल के हैं और इस कुल में दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं होता। भोले बाबा देवी पार्वती को ये कथा सुना रहे, सुनो भवानी, कि महाराज दशरथ जी ने जब गुरुदेव जी से मसमीरा मिलाई, गुरुदेव ने मानो आज्ञा भी दे दिया हो, चारों तरफ से लोग बुलाए गए, सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि राम जी राजा बने या ना बने, सारी सभा की आवाज थी राम राजा बने। हां, घर के दो सदस्य नहीं थे, एक तो भरत और दूजे शत्रुघ्न, ये चले गए थे अपने ननिहाल। एक कथा में ऐसा भी आया है कि महाराज दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे पिता को जो वचन दिया था तो उस वचन के अनुसार तो तुम्हारे बेटा बनेगा उत्तराधिकारी, लेकिन कैकेयी भरत से ज्यादा राम जी को प्रेम करती थी, क्योंकि यह राम जी का नियम था
सुबह उठ करके पहले कई कई मैया को ही प्रणाम करते थे, तो कई कई ने मना कर दिया था, अरे भरत को रहने दो, रामई राजा बन जाए, ऐसे भी लेख मिला। ऐसे गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि भरत और शत्रुघ्न ये दोनों थे अपने मामा के वहां, सारी अयोध्या में खबर फैल जाती है कि कल जो है राम राजा बनेंगे। सारी अयोध्या ऐसे सजाई गई कि जैसे घर घर में मेरे राम राजा बनने वाले हैं। माता सरस्वती ने देवताओं से जाकर के संपर्क किया, सुनो मैंने दशरथ जी की बुद्धि फेर दी है, तो वो भरत के बजाय राम को ही राजा बनाने प्रोग्राम कर लिए। देवताओं ने कहा ये तुमने क्या किया, अब राम यदि राजा बन गए तब तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा, अब जाओ। अब कहां जाएं, अयोध्या में कुछ ऐसा करो ताकि राम राजा बन ना पाए। सज्जनों यहां तो तैयारी चल रही थी, पूरी अयोध्या सजाई गई, यही लग रहा था कि हर घर में राम राजा बनने वाले हैं। कि घर घर में पूरे गए चौक और बहुरंग पताका फहराए, घर घर में पूरे गए चौक हो, घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंदन वारे भी लहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंदन वारे भी लहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे। भगवान की जय हो। सारी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो मेरे राम राजा बन जाएंगे। आप भी थोड़ा खुशी मनाइएगा, सब लोग मस्ती में बजाएंगे, ताली बोलेंगे। और राम राजा हो, राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रघुधानी, राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रघुधानी, राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, हो राम राम सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम, हो राम राजा जय हो, हो राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रघुधानी, राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रघुधानी हो। Thank you.
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम भरत शत्रुघ्न और बड़े माता हो बड़े माता कौशल्या राधे अवधे मोरे रंग धा हो राम राजा सियाजी महारानी अवधे मोरे ध्वज धाने राम राजा सियाजी महारानी अवधे मोरे रंग धा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सियाजी महारानी अवधपुर रजधानी बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब भाई सारी अयोध्या में तो खुशी की लहर है, लेकिन कि शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। ये डायन कौन है? इसका नाम है मंथरा। यह बात इसको अच्छी नहीं लगी मंथरा को कि राम अवध के राजा बन जाएं। तो मंथरा नाटक फैलाने के लिए चल पड़ी। देवी पार्वती को यह कथा भोले बाबा सुना रहे थे ना, तो पार्वती ने शिवजी से पूछा, महाराज यह मंथरा कौन है? भोले बाबा बड़ा प्रसन्न हुए कि तुम कथा कायदे से सुन रही हो। वक्ता कोई भी हो, भोले बाबा ये कथा जब सुनाए हैं भवानी को तो एक शर्त रखी थी कि बीच बीच तुम हुआ करती रहना, इससे थोड़ा हमारा मन लगेगा कथा कहने में। और श्रोता जब बीच बीच सर हिलाते या ताली बजाते हैं तो वक्ता का भी मन लगता है। अकेले श्रोते से कुछ नहीं होता, तब ना ही अकेले वक्ते से। जब श्रोता वक्ता दोनों कैसे हो? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ है। भवानी करे महाराज, जब सारी अयोध्या प्रसन्न है तो आखिर ये मंथरा कौन है जिसने डाइन का रोल अदा कर दिया? भोले बाबा कह रहे हैं ये मंथरा जो है विरोचन की कन्या है। कि थी मंथरा विरोचन जाई, थी मंथरा विरोचन जाए, थी मंथरा विरोचन जाए, दिए सकल सुर समर भजाए, जो है मंथरा ये प्रहलाद के बेटे विरोचन की कन्या है।
वही प्रहलाद जिनके लिए प्रभु जी ने यह महीना स्पेशल बनाया था, जिस महीने में यह सत्संग कर रहे हो आप लोग, हर किसी को ये नसीब नहीं होता है। इस महीने को कहते हैं पुरुषोत्तम मास। वैसे नियम यह है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने, लेकिन कभी कभी एक वर्ष में 13 महीना हो जाते हैं। इस बार जो है ये 13वें महीना है, मल मास। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भगत का मान ना टलते देखा। अरे वही प्रहलाद जिनके लिए भगवान ने स्पेशल ये महीना बनाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था भोले बाबा से। और बता चुके हैं बाबा ऐसे हैं, बाकी देवता देने के पहले विचार करते हैं, और हमारे भोले बाबा पहले कोई विचार नहीं, नो टेंशन। टेंशन तो बाद में बढ़ती है। हाँ, अब ये खुश बहुत जल्दी होते हैं। कई कथा में बताया पंडित जी ने कि बाबा बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो समाज में ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही क्वालिटी बैठे हों। एक चोर बैठा था, उसने सोचा कि अभी तो पंडित जी रहेंगे यहाँ 2-4 दिन, अब भला देखें ये लोगों को बहकाते हैं या कुछ ऐसा है। पहुंचा बाबा के मंदिर, लेकिन चोर तो चोर, कहते हैं ना कि चोर चोरी से गया लेकिन तोंबा फेरी से नहीं गया। आश्रम में एक बच्चा चोरी करता था, आश्रम में बच्चा चोरी करता था, तो महंत जी ने क्या किया, इसके माथे पर एक तरफ लिखवा दिया चोर। अब ये बच्चा क्या करता है कि महंत जी ने लिखवाया है चोर, तो दूसरी तरफ इसने लिखवा लिया माखन। अब जब लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने में आता है माखन चोर, मामला बच गया। तो ये चोर जब मंदिर पहुंचा बाबा के और जल चढ़ाया, भाई देखे पंडित जी की बात सत्य है, जैसे जल चढ़ा के चलने लगा सोचा घंटा बजा ले, और जैसे घंटा बजाया ओ कम से कम 20 किलो का घंटा, वो भी पेवर सोना। चोर ने सोचा पंडित जी की कथा बहुत बढ़िया, पहले दिन की पूजा में इतना माल मिल गया, लेकिन ये घंटा हम उतारें कैसे। इधर उधर देखा खोलने का कोई साधन नहीं, तो वही शिवलिंग था ना, शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटा विधिवत खोलने लगा, और बाबा आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा कहते बेटा वरदान मांगो। अब चोर कांपने लगा, हम कौन से लंबी पूजा कर बैठे ही वरदान देने आ गए। भोले बाबा कहते हैं बेटा दुनिया में भक्त हमने बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा पहली बार। चोर ने कहा बाबा हमारे जैसा पहले आता तो घंटा यहाँ बंद ही नहीं होता, हम बहुत पापी हैं, क्षमा कर दो। भोले बाबा ने कहा सुनो, दरअसल में दुनिया में भगत तो हमारे बहुत हुए, सबसे बड़ा भगत कौन हुआ, रावण। दुनिया में रावण के समान पंडित और वीर न दूजा है, और जिसने अपने सर काट काट भोले बाबा को पूजा है। लेकिन बेटा तुम रावण से भी बड़े वाले निकले, कैसे, कहा उसने केवल सर चढ़ाया था, तुमने तो पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। तो चोर ने सोचा ये तो अंधेरे में बढ़िया निशाना बैठ ही गया है, अब मांगे कसर कोई रखबे ना करो।
चोर कहने लगा, अरे हमने सोचा वैसे तो आप आओगे नहीं, शरीर ही चढ़ाए दें, अब इस घंटे पे नियत खराब हो चुकी है, हमको अब ही दे दियो, अब हो सके तो मेरी गरीबी दूर कर देना। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा कि निकी लागे बाबा की दुवरिया हो। एक बार हाजिरी लगा लेना, दुवरिया से निकी लागे बाबा के दुवरिया हो। जटा बहल जे हो, बोलो गंगा मैया की जे हो। जटा बहल गंगा जी के पनिया हो, दुवरिया से लग जे लागे बाबा के दुवरिया हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भैया भोले बाबा से हिरण्यकश्यप ने ये वरदान मांग लिया था कि ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, दिन में न मरूं, निस में न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, यहां तक के कह दिया 12 महीनों में ना मरूं। और जब ये प्रहलाद को सताने लगा तो भगवान ने एक स्पेशल महीना बनाया, यही जिसको कहते हैं मल मास, इसका शुद्ध नाम है पुरुषोत्तम मास। तो वही प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के बेटे विरोचन, और इन्हीं की ये कन्या है मंथरा। दरअसल में विरोचन भी जो है बहुत बड़े दानवीर थे। एक बार देवताओं ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण का भेष बना करके जंगल में विरोचन को मिलते हैं और दान के रूप में क्या मांगा, विरोचन की उम्र मांग लिया। अब जब आयु मांग लिया तो विरोचन की कन्या नाराज हुई, देवताओं से भयंकर युद्ध, देवताओं के छक्के छुड़ा दिया। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र से यह टकराई और इंद्र इसको देख करके प्रहार नहीं करते क्योंकि वो स्त्री है,
फिर क्या है, भगवान विष्णु के कहने पर, भगवान विष्णु जी के कहने पर देवराज इंद्र ने इसका वध कर दिया। और मरने के बाद ये गंधर्वी हुई है और उसी गंधर्व का, गंधर्वी जब यह हुई है तो इसी गंधर्वी की एक कन्या, उसका विवाह हुआ, यानी इसी गंधर्वी का दामाद, उसको महाराज केक ने मार डाला था। ये जो मंथरा है, ये विरोचन की कन्या है, और इंद्र देवता ऐसे नहीं मारते, विष्णु जी के कहने पर इसे मारा। तो मरते मरते इसने कसम खाई कि ठीक है, तुमसे भी बदला लेंगी हम। और मरने के बाद यह एक गंधर्वी बनी और इसके दामाद को मार दिया अश्वपति ने, जिनको केक कहते हैं। तब ये गंधर्वी जो है राजा अश्वपति से कह लगी, मेरे दामाद की लाशें दे दो। तो केक ने गंधर्वी को भी मार दिया। तब गंधर्वी ने श्राप दिया कि तुमने मेरे दामाद की जान ली है तो हम तुम्हारे दामाद की जान लेंगी। यानी कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कीने सो तस फल चाखा। कि मरते समय गंधर्वी ने यह श्राप भूपति को दिया। मरते समय गंधर्वी ने यह श्राप भूपति को दिया। अश्वपति दामाद मेरा आपने जो वध किया। हे अश्वपति दामाद मेरा, दामाद तेरा मारी सुंदरे, दामाद तेरा मारी सुंदर विपत्ति पुर श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे दामाद की जान ली है ऐसे ही हम तुम्हारे दामाद की जान लेंगी। और वही विरोचन की कन्या मंथरा, जब कैकेयी का विवाह हुआ था, अच्छा पुराने समय में बड़े सिस्टम थे, जहां तक दहेज की बात देखी जाए तो हमें लगता है पहले के अपेक्षा अब दहेज कम है। क्यों? पहले जो है दान में, दहेज में क्या दिया जाता था,
बोले हाथी दिए गए, घोड़ा दिए गए। अब आजकल हाथी की कीमत देखो कितनी है भाई। अब सुविधा है, केवल अपनी बेटी की ही विवाह में हम लोग बहुत परिश्रम करते हैं। और तब एक और ये नियम था, बड़े बड़े लोग जो है ना, जब बेटियों का विवाह करते थे तो बिटिया के साथ में एक नौकरानी भी भेजते थे। कुछ सास लोग कहने लगती है बहुरियों से, इतनी तुम काम करना नहीं जानती थी तो अपने मायके से नौकरानी लाई हो तुम। तो ये मंथरा जो है कई कई के मायके से साथ ही आई थी। मंथरा ने विचार किया मौका हमें मिल गया, बदला लेना है विष्णु जी से भी, क्योंकि इन्हीं के कहने पर इंद्र ने मुझे मारा था, और दूसरे बदला लेना है महाराज केक से, क्यों, जिन्होंने मेरे दामाद का वध किया था। भोले बाबा कह रहे भवानी वही कैकेयी जो है, उस कैकेयी की दासी मंथरा अपने सर के बालों को खोल लेती है और पूरा अपना भेष डाइन का बना करके पहुंच गई सीधे कैकेयी के भवन। अच्छा कैकेयी बड़ा खुश थी कि मेरा राम राजा बनने वाला है। कैकेयी ने देखा अरे मंथरा ये तेरा हाल किसे, किसने ये हाल तेरा किया है, कुछ भूखी है या तेरे को प्यास लगी है। मंथरा कहने लगी मालकिन ना हम भूखी हैं और ना ही हमारे प्यास लगी है। फिर किसी से झगड़ा हुआ? नहीं नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर तेरा ऐसा ये चेहरा क्यों बन गया? मंथरा आंसू बनावटी निकालते हैं आंख से और क्या कहती है, तुम्हारे घर में एक डाह लगा है जिसको कहते शब्द का डाह, वो तुमको नहीं पता है मालकिन, मुझको पता है कि खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की, रानी किस घोर नींद में है अब लोक चाल निज राजा की। कई कई कह लगी अरे मंथरा ये कैसी बहकी बहकी बातें तू कर रही, तुझे पता होना चाहिए मेरा राम राजा बनने वाला है। मंथरा बोली वही तो मैं कह रही हूं कि जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। वो जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम की तैयारी इतना अर्जेंट की गई, दूर दूर के राजा महाराजा बुलाए गए। अब आज समय की बात देखो, भरत घर पे नहीं है। देखिए राज तिलक की सूचना हर जगह तो दशरथ ने भिजवाई थी तत्काल प्रभाव में, एक दो जगह इन्होंने सूचना नहीं भिजवाई। कहां कहां? जनकपुरी को भी कार्ड नहीं भेजा था कि राम का रात तिलक होना है।
देवी पार्वती ने पूछा भोले बाप, आखिर यह बताओ जनकपुरी को कार्ड क्यों नहीं गया, जबकि जनकपुरी को कार्ड जाना जरूरी था। भाई जब भी घर पे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो तुम्हारे दिमाग से भले ही बात उतर जाए, लेकिन देवी जी याद जरूर दिलवा देते हैं। वो मायके के लिए कार्ड दे दो, चाचा है ना, वो एक हमारे फूफा जी हैं, मतलब तुम्हारे संबंधी भले रह जाए, उनकी लिस्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब देखिए भरत शत्रुघ्न तक नहीं आए, तुम्हारे साथ में छल हो रहा है। कैकेयी को बहुत गुस्सा लगी, क्योंकि कैकेयी राम को बहुत मानती थी। कैकेयी ने मंथरा को डांटा कि अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी, युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी मेरी है, इस कारण पुरस्कार यह ले, और कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये। कई ने निकाला अपने गले का हार और कहा ये चल पहन ले, अब कल जब राम राजा बनेगा तो तुझको और दूंगी। मंथरा और नाटक फैलाती है, मालकिन ये हार तुम्ही को मुबारक हो, और हमको गर्ज क्या पड़ी है जो अपना मुंह हम नुचवावे। चाहे राजा राम हो और चाहे राजा हो भरत, हमका तो नौकरी ही करी के। अरे कौन रप होई हमें का आने, कौन रप होई हमें का आने, होई हमें कहानी चेरी छोड़ न हो रानी। अब माता सरस्वती फिर देवताओं के पास गई कि मंथरा तो पूरा जोर लगा रही है, लेकिन कैकेयी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देवताओं ने कहा हमारा मुंह देखने आई हो, अरे जाओ कैकेयी की बुद्धि फेर दो। तब कैकेयी की बुद्धि पे माता सरस्वती जी आ गई हैं, और जैसे सरस्वती आई मंथरा चलने लगी। कैकेयी कहते रुको रुको ए दासी इधर आओ। देखो सच कहते हैं ना कि अपना अपना ही होता है, और तू मेरे मायके से आई है, भरत को इतने से गोदी में खिलाया है, इसलिए तुझे दर्द है। अरे सुन मंथरा,
तेरी पीठ पे दुनिया वाले कहते ये कुबर है, लेकिन कुबर नहीं है। फिर कहा जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे, तो हमें लगता है तू सबसे बाद में गई थी, और सबसे बाद में जाने के लिए प्रभु ने विचार किया बाद में आई है, बची बचाई बुद्धि सब तुझको दे दिया, और जब ज्यादा हो गई होगी तो उसकी एक पोटली बना के तेरी पीठी पे बन दिया है। अब देखिए कैकेयी की बुद्धि तो फिर गई, मंथरा फिर इनको समझाने लगी, सुनो मालकिन बोलो, कहा तुमको शायद याद नहीं होगा तुम्हारे दो वरदान महाराज दशरथ जी के पास सुरक्षित हैं, और आज मौका है वही दोनों वरदान मांगने का। देवासुर संग्राम हमेशा देवताओं की मदद करने जाया करते थे महाराज दशरथ, और कैकेयी को ये साथ ले जाते थे। क्यों? क्योंकि कैकेयी जो है ये वीरांगना है, वीरांगना। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि महाराज दशरथ जी के रथ से धुरे की कील निकल गई, कैकेयी ने देखा तो सोचा कील निकल गई, ऐसा ना हो पहिया निकल जाए, मामले गड़बड़ हो जाए, हाई स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो कील की जगह पे कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दिया, और जब उंगली लगी महाराज दशरथ कैकेयी को देखा, कहते हैं तुम्हारी वजह से आज जान बच गई, मांग लो जो मांगना है। और दो बार कहा मांगो मांगो, तो कैकेयी ने कहा मांगे क्या, ये दो वचन सुरक्षित रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। पार्वती ने कहा कि प्रभु ये बताओ लोहे की कील का काम उंगली कर गई, मानो रथ की धुरी का कील निकल गया, कैकेयी ने उंगली लगाया कहा लोहे की कील और कहा उंगली। भोले बाबा ने कहा भवानी ज्यादा कथा न बढ़ाओ, एक संत का श्राप था कैकेयी को। बाबा बैठे थे भजन कर रहे थे और कैकेयी सखियों के साथ पहुंची। अच्छा बच्चा लोगों का हिसाब जानते हो, कैकेयी ने क्या किया, थोड़ी कालिख लिया कोयला और बाबा के मुंह पे खूब लगाया। जब संत जी की आंख खुली, हाय कैकेयी ये तूने क्या किया, और मेरी कालिख तो अभी पानी से धुल जाएगी और तुझे ऐसा कलंक लगेगा जो धुलेगा नहीं, मेरा दंड गायब कर दिया, दंड लेकर के आ। और दंडी सन्यासी थे, कैकेयी ने दंड ला के दिया, संतों ने श्राप दे दिया कि तेरा शरीर वज्र का हो जा। कैकेयी चरणों में गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी, स्वामी जी क्षमा कर दो। तो संतों ने कहा बहती हुई गंगा रोकी नहीं जा सकती है, कोशिश करने पर दिशा मोड़ी जा सकती है, तुम्हारा पूरा शरीर नहीं, जिस समय तुमको जरूरत लगे और तुम मेरे श्राप की याद करोगी तो जितना अंग चाहोगी उतना अंग जो है तुम्हारा वज्र समान हो जाएगा। तो मंथरा समझा रही है, और मंथरा कहती है कैकेयी से सुनो तुमको याद नहीं है, तुम्हारे वो पुराने वाले वचन, आज ही तो मौका है मांगने का। अच्छा तो ठीक है मैं चली को भवन। मंथरा ने कहा एक बात और सुन लो, ऐसे मांगना भी नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं राजा जोगी अग्नि जल, इनके उल्टा रीत मतलब निकल गया। फिर
पहचानते नहीं, फिर कैसे मांगोगी? कहा मांगना जब उनसे राम जी की कसम खिलवा लेना, हाँ कि मांगना बड़ी चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, हर उस वक्त मांगना राजा से, जब सौगंध राम की खा जाए। मंथरा से पूरा पूरा मंत्र ले लिया। मंथरा कह लगी ऐसे न मांगिएगा, पहले कसम खवा लियो कि भूपति राम शपथ जब कर भूपति राम शपथ जब करे तब मांगे उजे बचन न टरे। भैया कई कई जो है पहुंच गई कोप भवन, माने गुस्से वाला रूम। हाँ, तब राजा लोग बनवा देते हैं अलग एक मकान या एक रूम गुस्से वाला, कोई नाराज हो वहीं जाके बैठे और घर के मुखिया आवे तो फिर मनाए के ले आवे। महाराज दशरथ जी आए कोप भवन को ही पहुंच गए। अरे कई कई ये अचानक तुझे क्या हो गया, तू कोप भवन आ गई? कई कई नहीं बोली। अरे वो कई कई जैसे हाथ लगा तो कई कई ने दिया झीटा, हजा महाराज क्यों क्या हुआ? कहा कि महाराज हमें परेशान ना करो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं जो मुझे सताने आए हो, अंदर रखते तुम स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। दशरथ कह लगे अचानक तुझे क्या हो गया, ये सब क्या बता रही हो? अरे सुन, तुझे पता होना चाहिए बड़का बेटा राजा बनने वाला है, बहुत आज हम खुश हैं, मांगना है वो मांग लो। जैसे कहा मांगना है मांग लो, कई कई ने कहा पहले देने को कहे थे आजो तक नहीं दे पाए, और अब फिर कह रहे हो मांग लो। देखिए माया ठगनी में हम सबके सब फंसे। दशरथ कह रहे हैं देवी दो नहीं तुम चार मांग सकती हो। कई कई ने कहा मैं चार की जरूरत नहीं, हमारे पुराने वाले दे दो मांगो। कई कई ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगी, हो सकता है तुम मुकर जाओ। दशरथ बोले क्या बात कर रही हो, हम किस वंश के हैं? रघुकुल। रघुकुल रीति सदा चलिया,
गाहे बरु बचन न जाने।